स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भारतीय पब्लिक स्कूल, कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ एक, भाषा और व्याकरण। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में भाषा और व्याकरण के विषय में पढ़ा होगा कि भाषा क्या होती है। अब आप बता सकते हैं कि भाषा के बारे में आपने क्या पढ़ा था, भाषा क्या होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं व दूसरे के मन के भावों और विचारों को जान सकते हैं। इससे बच्चों आपको क्या समझ में आया इस परिभाषा से? ये परिभाषा कह रही है कि हमारे मन में कोई भी भाव उठा, कोई भी विचार उठा, हम उसको किसके द्वारा व्यक्त करें? भाषा के माध्यम से। आपके मन में कोई विचार उठा तो आप किसके द्वारा बोलोगे उसे? भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या हुई? अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन। भाषा के चार कौशल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब ये कौशल होते क्या है आपको नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ कि एक बच्चा है, उसने क्या करा, आइसक्रीम वाले के पास गया और आइसक्रीम वाले से कहा कि मुझे वनीला आइसक्रीम चाहिए। तो उसने क्या कहा, बच्चे ने आइसक्रीम देने को कहा, किसको कहा? आइसक्रीम वाले को। तो ये यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन काम कर रहा है? बोलना। और आइसक्रीम वाले ने उस बच्चे की आवाज को सुन करके उस बच्चे को आइसक्रीम की मूल्य बताया और उसे आइसक्रीम दे दी। तो यहाँ कौन सा वाला क्वेश्चन काम आया हमारा? सुनना। निकिता विद्यालय में मेरा पहला दिन विषय पर निबंध लिख रही है। निकिता एक लड़की है और विद्यालय पर, विद्यालय के अंदर मैडम ने उसकी एक निबंध लिखने को बोला है। तो लिखना यहाँ पे क्या है? लिखना। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? लिखना। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़। ये कौन सा क्वेश्चन है? पढ़ना। अब मैं आपको बोल बोल के समझा रही हूं, तो कौन सा क्वेश्चन काम कर रहा है? बोलना। और आप सुन रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे? सुनना। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये क्या होते हैं? भाषा के चार कौशल होते हैं जो हमें भाषा को समझने में बहुत मदद करते हैं, भाषा को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब आते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो होता है हमारा मौखिक और दूसरा होता है लिखित। अब ये जो मौखिक भाषा होती है वो क्या होती है? मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम मुंह से बोलते हैं, वक्ता जो होता है वो मुंह से बोल करके दूसरे को बताता है। जैसे कि नेता होते हैं, वो क्या करते हैं? सभाओं में जाते हैं और सभा में जाने के बाद वो अपना भाषण देते हैं। और भाषण देते वक्त कहते हैं हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, हम बिजली की व्यवस्था कर देंगे। ये सब क्या है? ये क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। दूसरा रूप भी आपको बताया था, कौन सा बताया था? मैंने बताया था आपको लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए लिखित, मतलब लिख करके समझाते हैं, लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे अध्यापक क्या करता है, अपने विचारों को समझाने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ में आए तो वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है। अब जैसे मैं हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको अच्छे से अच्छा लिख करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो यह हमारी कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? विश्व में बहुत से देश हैं जहां पर क्या है, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे जापान है, जापान का जो देश है वो जापानी भाषा बोलता है। रूस है वो रूसी बोलता है। इंग्लैंड है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। और जो ईरान है वो ईरानी बोलता है।
हम जो हमारे देश में जो सर्वाधिक कामकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो है हमारी अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। और जो हिंदी है वो हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का एक सबसे अच्छा तरीका, लिखने का एक ढंग, वो क्या होता है? हमारा लिपि कहलाता है। लिपियों में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, और ध्वनियों में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का। पहले हम जब भाषा प्रयोग करते थे तो हम क्या करते थे? मौखिक भाषा का प्रयोग करते थे, और मौखिक भाषा में हम पहले चिन्हों का प्रयोग, ध्वनियों का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो समय है वो परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। तो अब क्या है, भाषा के अंदर हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और ध्वनियों के अंदर भी हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जब चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। समझ में आ गया मुझे? आपको यहां तक समझ में आ गया? जो विश्व में जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी सबकी जो लिपियां हैं वो भी अलग अलग है। उनकी जो लिपियां हैं वो भी अपनी अपनी लिपि है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, ये सब जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी है वो रोमन लिपि में लिखा जाता है। जो उर्दू है वो किस में लिखा जाता है? फारसी लिपि में लिखा जाता है।